Hello student, today we see the numerical related to frequency modulation. Already we see the some numericals related to frequency modulation, but today's lecture we see some different numericals. Okay, so see the first one is that is in FM system the maximum deviation is 75 kilohertz. Find the bandwidth for modulating frequency. That is frequency आप दिए हुए, that is FM is 500 hertz, second दिए 5 kilohertz और third है 10 kilohertz. Then draw the conclusion for the bandwidth of FM from answer. Okay, so आपको क्या निकालना है, इस पर से bandwidth निकालना है, तीन frequency दी हुए है. Okay, so see given क्या है आपको, that is the frequency. Okay, so आपकी जो पहली frequency है वो कितनी है, that is the 500 hertz. Okay, इसको हम अगर किलो हर्ट्स में कन्वर्ट करना है तो कितना आएगा, 0.5 किलो हर्ट्स डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा. 500 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 1000 होगा, तो आपका कितना आएगा, 0.5 किलो हर्ट्स. अभी किलो हर्ट्स में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, बिकॉज अपना जो डेविएशन रेशियो है, यहाँ पे जो डेविएशन रेशियो दिया है वो किस में है, किलो हर्ट्स में है. ओके, सो बैंडविड्थ का आपको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का, दैट इज ट्वाइस डेल मैक्स प्लस एफएम मैक्स. ओके, सो ऑलरेडी आपके पास डेल मैक्स भी है और एफएम भी है, तो आपको वो वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है. ओके, सो इन दिस वे अगेन वी कंसिडर्ड विद द सेकेंड फ्रिक्वेंसी. सेकेंड फ्रिक्वेंसी कौन सी है, कितनी अपने पास, दैट इज़ द 5 किलो हर्ट्स. ऑलरेडी ये अभी किलो हर्ट्स में है तो आपको ये कन्वर्ट करना नहीं है. ठीक है, सो ऑलरेडी आपको बैंडविड्थ का फॉर्मूला पता है, उसमें आपको क्या डेल मैक्स की वैल्यू पुट करनी है और एफ मैक्स की वैल्यू पुट करनी है. सो ये वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा, आपका आंसर आएगा वो लिखना है किलो हर्ट्स में. ओके, अगेन सेम आपको जो थर्ड फ्रिक्वेंसी दी है वो भी किलो हर्ट्स में है, सो इसको भी आपको कन्वर्ट करना नहीं है, ऑलरेडी आपको पुट करना है जो भी फॉर्मूला है उसमें. अगर आप वैल्यू पुट करते हो बाद में आपको क्या, किलो हर्ट्स में ही आंसर मिलेगा. क्यों, बिकॉज एफएम भी किलो हर्ट्स में है और जो डेल भी है किलो हर्ट्स में है और एफएम भी किलो हर्ट्स में है. ओके, सो इन दिस वे वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम. देन सी द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, दैट इज दिस द फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस प्रॉब्लम वी मीन्स द इक्वेशन विल बी गिवन, दैट इज इक्वेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, दैट इज ई एफ एम इज इक्वल टू 20 साइन ब्रैकेट 10^8 टी प्लस 4 साइन 10^3 टी. ओके, ये आपको गिवन रहेगा, आपको कैलकुलेट कर क्या करना है, इस पर से कैरियर फ्रिक्वेंसी, मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी, मॉड्यूलेशन इंडेक्स और जो पावर है डिसिपेटेड इन 10 ओहम रजिस्टर. ऑलरेडी ये ऐसा जो प्रॉब्लम है आप लोगों ने जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में देखा है. ठीक है, उसी तरह आपको सॉल्व करना है. सिर्फ जो यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग जो कंपेयर करेंगे वो किसका कंपेयर करेंगे, दैट इज़ द एफएम. ओके, एफएम का आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन कंपेयर करना पड़ेगा. सो स्टार्ट द सॉल्यूशन. सो दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम. सो सी दिस इज ऑलरेडी गिवन इक्वेशन एंड दिस इज अवर स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन एक्सप्रेशन. ओके, सो वी कंपेयर विद दैट टू इक्वेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंपेरिजम मीन्स आपको ये क्या करना पड़ेगा, ये जो है आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये वाला और ये आपको गिवन है, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा और इस पर से आपको वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी. तो सबसे पहले देखिए क्या है, कैरियर फ्रिक्वेंसी. अभी इसमें जो फॉर्मूला में देखो कैरियर फ्रिक्वेंसी मीन्स एफ सी कहाँ है, यहाँ पे है और ये इसमें है. ठीक है, सो हम लोग एक ही कौन सा तो भी लेंगे, तो सो मैं यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ फर्स्ट वाला, यहाँ पे कितना है, दैट इज़ 10^8. सो टू एफ सी इज 2πfc इज इक्वल टू 10^8 कंसिडर कर लिया मैंने. सो एफ सी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा,
एफ सी इज इक्वल्स टू 10^8 अपॉन 2π। ये जो 2π है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 15.9 MHz। ओके, इस तरह आपको कैरियर फ्रिक्वेंसी सॉल्व करनी है। नेक्स्ट आपको देखना है मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी, दैट इज FM। अभी FM कहाँ पे है, यहाँ पे FC था, यहाँ पे FM है, तो सेम आपको कंपैरिजन करना है। ये कंपैरिजन हम लोग किससे करेंगे, दैट इज 10^3। ओके, ट्वाइस पा FM इज इक्वल्स टू 10^3। सो FM का फॉर्मूला क्या बनेगा, 10^3 अपॉन 2π। यहाँ पे पाई की वैल्यू हम लोग 3.14 कंसिडर करेंगे, तो आपका आंसर जाएगा, आ जाएगा 159.1 Hz। ओके, बाद में निकालना है आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अभी मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है फॉर FM। ओके, सो अगर आपको पता भी नहीं होगा तो यहाँ पे देखो कंपैरिजन कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का, और यहाँ पे क्या कितना वैल्यू है, 4। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, MF, दैट इज़ मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन कितना आएगा, 4। बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों इक्वेशन कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, बाद में निकालना है लास्ट, दैट इज़ पावर डेसिपिएटेड इन 10 ओहम रजिस्टर। ओके, अगर यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है पावर डेसिपेटेड का, क्या है, P इज इक्वल्स टू EC बाय √2 ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन R। ओके, सो आपको EC भी गिवन है, यहाँ पे दिख रहा है देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन, और जो गिवन इक्वेशन है कितना है, 20, और रजिस्टर दैट इज़ R ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। सो ये सब वैल्यूज़ हम लोग क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे और वो जो है आंसर निकाल लेंगे, तो कितना आएगा, 20 W। पावर का यूनिट क्या रहता है, वैट्स। ओके, इस तरह आपको ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व करना है। सो ये जो प्रॉब्लम है आपका, ये जो प्रॉब्लम है ये इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो लास्ट वाला प्रॉब्लम है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।